जेलेंस्की ने देश को दिया है इस बीच भरोसा, जीत के लिए सभी से मदद मांगी गई है देशवासियों से, देश के वॉर प्लान का जिक्र किया गया है। देखिए बहुत सुगबुगाहट है, जेलेंस्की की कुर्सी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है इस वक्त वॉर में, लेकिन जेलेंस्की ने मोर्चा नहीं छोड़ा है, राष्ट्र को संबोधित किया है, अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाया है और एक नए वॉर प्लान का जिक्र किया है। यूक्रेन के लोगों के नाम अपने संबोधन में जेलेंस्की ये बताते नजर आए हैं कि उनके हौसले अभी पस्त नहीं हुए हैं। इस बीच रूसी ठिकाने पर यूक्रेनी अटैक भी हुआ है, सेल्फ प्रोपेल्ड गन से फायरिंग की खबर सामने आ रही है। यूक्रेनी हमले में रूस को काफी नुकसान हुआ है। सिन्हा साहब, एक आखिरी कमेंट के लिए मैं आपके पास आ रही हूं। इस वक्त आपको रूस यूक्रेन वॉर में क्या लग रहा है, ये जंग इस वक्त कहां पर है? जंग बहुत ही डिसाइसिव फेज में पहुंच चुका है और मुझे लगता है कि अमेरिका को ये अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि जेलेंस्की का जिद अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। इस जिद को हटाने के लिए रिजिम चेंज हो, और आपने जो दो नाम बताया उसमें एक आर्मी चीफ की बात हो रही है, तो स्वाभाविक है कि आर्मी भी, यूक्रेन की आर्मी भी थक चुकी है, वो भी चाहती है शांति हो, तो इसी कारण उसका नाम प्रपोज किया जा रहा है, तो रिजिम चेंज होगा। हाँ, जेलेंस्की क्या ये मकसद होगा कि मुझे फिजिकल सेफ्टी दिया जाए और इज्जत के साथ एग्जिट दिया जाए, वो अमेरिका दे देना चाहिए, आओ अमेरिका में आके सेटल करो, यूक्रेन को तो बचा लो। दुर्योधन के पुत्र मोह में धृतराष्ट्र ने पूरे कौरव खानदान की बर्बादी कर दी, अपनी सो कॉल्ड इज्जत बचाने के लिए जेलेंस्की पूरे यूक्रेन को ऑलरेडी बर्बाद कर दिया है, जो कुछ बचा है उसको तो बचा लो। रिसेलेक्ट करने में यूक्रेन को कितना समय लगेगा, कितना पैसा खर्च होगा, क्या अमेरिका उतना पैसा देगा? वो अपने फ्रंट पे तो संभल नहीं रहा है, उसके तो बैंक्स क्लोज हो रहे हैं, तो पैसा कहाँ से आएगा? तो यूक्रेन के लोग की क्या गलती है? जो एक बाउल होता था, एग्रीकल्चर बाउल, जो सीरियल सप्लाई करता था, भीख मांग रहा है आज, आज खाने को नहीं है, गैस नहीं है, और इसका मुख्य कारण कौन है? जेलेंस्की। जेलेंस्की नाटो का मेंबरशिप बनना है, क्यों बनना है? क्यों बनना है? तुमने तो अपने देश को बर्बाद कर दिया, यू आर द कल्प्रिट, तुम अपने देश के दुश्मन हो, और इतनी बार शांति का सरदाना साहब, लेकिन इन्हीं जेलेंस्की के बारे में तो कुछ दिनों पहले तक यह कहा जा रहा था कि भाई इतने दिनों तक रूस जैसे मजबूत देश के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी, तो हौसले बुलंद हैं यूक्रेन के, और उस वक्त तारीफें हो रही थी जेलेंस्की के नेतृत्व की, अब वो सारी बातें कहां गई? देखिए, तारीफ हो रही थी, वो बुलंद थे क्योंकि वेस्टर्न सपोर्ट था, नाटो का सपोर्ट था, हथियार बेचने वाली कंपनियां हथियार बेच रही थी, उनके बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं थे, हथियार देना और मटेरियल सपोर्ट करना लड़ाई नहीं है। लेकिन अगर हम सेम चीज इजराइल और हमस की देखते हैं, तो अमेरिका तो एक तरीके से खुद अमेरिका के ऊपर अटैक हुआ है, तो क्योंकि बात सामने आई है सरदाना सर कि अमेरिका की नजर और अमेरिका का नजरिया दोनों शिफ्ट होता हुआ इजराइल की तरफ दिख रहा है, और इसीलिए शायद जेलेंस्की आंखों में खटकने लगे हैं, यही सवाल है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, युद्ध जोन में आगे किस किस तरह की बातें सामने आती हैं।